हेलो, गुड इवनिंग तमन्ना. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. इज माई वॉइस ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो दैट इज माई वॉइस ऑडिबल. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग दीपांशु. ओके ओके ग्रेट. गुड इवनिंग राजश्री. गुड इवनिंग भक्ति. गुड इवनिंग प्रिया. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो एज यू ऑल नो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट का सबसे पहला लेक्चर विच इज रिलेटेड टू जनरल एप्टीट्यूड. एंड जनरल एप्टीट्यूड में भी स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी, दैट इज वर्बल एप्टीट्यूड, मतलब जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होता है. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ विच आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं इन सारी चीजों का. यस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग दिनेश. गुड इवनिंग आनंद. गुड इवनिंग चैत्रा, प्राजक्ता, वासु. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. So, see, so this is the first thing I would like to tell you that we are starting our classroom coaching from 16th of August. So, agar koi bhi CSIR NET ki preparation kar raha hai with GATE ya fir to wo is course ke liye bhi apply kar sakta hai, ya agar aapke koi friends hai, koi bhai behen hai, ya anybody you know who is appearing for CSIR NET, then they can go to this link and they can take all the information regarding this particular course. Okay, so यहाँ पे देखिए contact number भी provide किया गया है कि जिस contact number के through आप ये सारी, अगर आपको और इससे ज्यादा कोई information आप चाहते हैं तो आप इससे ले सकते हैं. Okay, so there is one more thing that I would like to tell you that कि हमारी GATE biotechnology की भी classes start होने वाली है from 9th of August. See here you can see the date from 9th of August. ये online coaching है and देखिए यहाँ पे you could see that the price is so less कि आपको इतने कम price में सारा पूरा detail course available होने वाला है. So आप you can go to our website and you can know about each and every detail of the course. Okay, so this is it. उसके बाद just give me a second. Okay, so now one more thing I would like to tell you, जैसे अगर आप biotechnology के लिए appear करना चाहते हैं तो जैसे course है, similarly अगर आप life science में अगर appear करना चाहते हैं तो we have the course at this price, 11,999. okay, so देखिए आप अगर आप GATE life science course के लिए अगर आप apply करते हो so आपको आपके online जो भी teaching है उसके साथ साथ आपको देखिए और क्या क्या चीजें मिलने वाली है. GATE Excel के previous year questions भी आपको मिलेंगे with detailed explanation, है ना. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप सिर्फ, मतलब आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं प्रोवाइड होने वाला है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाले हैं एंड टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलने वाली है. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग अभी इसमें एनरोल करें एंड आप इसको अच्छे से फिर आपकी पढ़ाई आप कर सकते हैं, बिकॉज यू कुड सी कि अभी बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, है ना. सो अगर आप अभी कोर्स के बाय करते हैं तो यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम एंड यू विल गेट अ राइट डायरेक्शन कि किस वे में हम हमारी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, बिकॉज वी नीड अ गाइडेंस, राइट. सो दिस गाइडेंस इज IFAS इज प्रोवाइडिंग टू यू.
सो आप देख सकते हैं ये बैच भी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 9th of August। सो जल्दी से जल्दी जाइए, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर आप जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है आपको उस पे भी आप जाके इन सब के डिटेल्स ले सकते हैं। Then here comes the proud moment for IFAS that this is our result. आप देख सकते हैं so many students have qualified from our institute की उनको बहुत अच्छी rank आई है gate में and आप देख सकते हैं फिर आपका भी यहाँ पे photo लग सकता है next. So आप इसमें enroll कीजिए and हमारे साथ preparation आपकी start कीजिए. Okay, so now we are going to begin with the discussion. Okay, then there is one more thing. Book के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता दूं that there is biotechnology book. और आप ये बुक सिर्फ और सिर्फ 400 में परचेज कर सकते हैं एंड अगर आप उसके लिए सैंपल देखना चाहते हैं कि हाउ विल बी द बुक, व्हाट आर द कंटेंट्स इन द बुक, तो ये सब कुछ हमारी साइट पे आपको मिलेगा. सो यू कैन गो टू आवर साइट एंड द सैंपल इज ऑलरेडी प्रेजेंट. बुक का जो सैंपल है वो वहां पे मिलेगा आपको. यू कैन चेक द सैंपल एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से ये पूरा बुक स्ट्रक्चर किया गया है फॉर यू ऑल. ओके, so now we are going to start with our today's session that is verbal ability. So verbal ability की जब हम बात करते हैं so it is consist of English. So when we talk about English, English is made up of two things. पहले तो English grammar and second है vocabulary. So हमारा English पूरा होता है इन दो चीजों से. सो यही दो चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंड सिमिलरली वोकैबुलरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि किस तरह से मार्किंग सिस्टम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्बल एबिलिटी पार्ट. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल एप्टीट्यूड, द जनरल एप्टीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द वर्बल एबिलिटी and second one is numerical ability, that is the mathematical part. Okay, so हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पार्ट. ओके, सो इसमें वर्बल एबिलिटी, नाउ हियर यू कैन सी दैट जो जनरल एप्टीट्यूड आपका होता है वो आता है टोटल 15 मार्क्स के लिए, विच इज वेरी इजी एंड विच आर द स्कोरिंग वन. Then, जब 15 मार्क्स के लिए हम कंसिडर करते हैं जनरल एप्टीट्यूड को, उसमें से 8 मार्क्स के लिए आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 7 मार्क्स के लिए आता है वर्बल एबिलिटी. सो दिस इज फॉर 7 मार्क्स. है ना, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट. सो अब यहाँ पे भी अब आप देख सकते हो कि जब वर्बल एबिलिटी इज नाउ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं देर आर टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए. Three questions, not 3 marks. These are the 3 questions. And 2 marks के लिए भी 2 questions पूछे जाते हैं. So अब आप देख सकते हैं कि total number of questions कितने हो गए? 5 questions हो गए. So ये जो verbal ability part जो है, इस पे से आपको 5 questions पूछे जाते हैं. ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं दे आर द इजीएस्ट वंस, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि यू कुड स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन इट. सो ये 5 जो क्वेश्चंस हैं तो इसी का प्रिपरेशन अभी हम करने वाले हैं.
ओके कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कुछ टॉपिक हम आज कवर करेंगे, कुछ टॉपिक हम कल कवर करेंगे. ओके सो आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज द ग्रामर एंड द वोकैबुलरी पार्ट. And one more thing which is very important which comes under verbal ability part is the reading comprehension which we will be discussing tomorrow. Okay, so let me just answer a few of the questions of the students that Ravindra is asking. Ma'am, ye CSR net ke liye bhi hai? Nahi, sorry Ravindra, this is not for CSIR net. This is for GATE exam. CSIR mein English part nahi hota. There is only numerical part. Lekin GATE mein ye aata hai. So this is beneficial for GATE aspirants. Okay? So this is... Now we are going to focus on this five questions. तो देखते हैं कि इन फाइव क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. सो सी हियर यू कैन सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सो सबसे पहला टॉपिक वोकैबुलरी की अगर हम बात करें, सो देयर आर अप्रोप्रिएट वर्ड्स पूछे जाएंगे. राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द इन द ब्लैंक या फिलिंग द ब्लैंक हो गया या फिर ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर. सो ये जो क्वेश्चंस है दीज आर फॉर द सेंटेंस कंप्लीशन काइंड ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन के ये क्वेश्चंस आते हैं. सो ये जो क्वेश्चंस है ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 100% लिखा है. मतलब ये 100% आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता ही है. ओके देन है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब क्या होता है कि सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करो एंड अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करो एक गिवन वर्ड का. तो इसके चांसेस 70-80% होते हैं कि किसी किसी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम टैली करें तो वी कुड फाइंड कि किसी किसी सालों में जैसे मैक्सिमम सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड बहुत सारी बार मतलब कुछ कुछ बार इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं भी पूछे गए हैं. नेक्स्ट देखो वर्बल एनालॉजी. वर्बल एनालॉजी को मैंने यहाँ पे 99% लिखा है. 99% क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ एक ही साल अब तक ऐसा आया है कि जिस साल में वर्बल एनालॉजी पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट रेस्ट ऑफ द ईयर क्वेश्चन इस पे जरूर पूछा गया है. ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव and related to vocabulary. Then spellings के ऊपर बहुत questions नहीं पूछे जाते. There are very few years जब spellings के ऊपर question पूछे गए हैं कि current spelling guess करो या फिर दो spellings अलग अलग spellings दिए गए होंगे which had a pronunciation same होगा लेकिन meaning उनका बहुत अलग होगा. So आपको पहचानना होगा कि कौन से meaning वाला word इस particular sentence में fit होता है. उस type के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. देन कम्स द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो 100% आता ही है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दैट क्वेश्चंस कैरी 2 marks ईच क्वेश्चन. ओके सो आप देख सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना वेटेज है. एंड अगर आप देखोगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है एंड बहुत स्कोरिंग भी होता है. सब वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको इन टॉपिक्स के ऊपर बाद में जाके कोई एक्स्ट्रा स्टडी करना ही ना पड़े. ओके देन कम्स द ग्रामर पार्ट. वोकैबुलरी देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लिया, अब हम देखेंगे ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में देखिए टेंसेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो टेंसेस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर. सो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 2-3 साल में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे. देन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2-3 सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं. अगर आप अर्लियर पेपर्स देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए थे. क्लियर. देन कम्स अ मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरी आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब. सो जो मैनर हमारे गुड मैनर्स एक्सप्रेस करने के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. ओके देन कम्स द
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक सेंटेंस का टाइप है कि मतलब ये ग्रामर टाइप जो है, दिस ग्रामर टाइप वी यूज जब भी हमें बताना होता है कि जो सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो हमारे फर्स्ट पार्ट से बेहतर है या कुछ ज्यादा खराब है. सो इस केसेस में वी यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, सो देन कम्स द एरर करेक्शन. एरर करेक्शन के भी जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट रेयर, बट नाउअडेज जो एग्जामिनर है दे आर फोकसिंग ऑन एरर करेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट. सो इसीलिए टू चेक द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर पार्ट, नाउ एरर करेक्शन टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज द प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मतलब नाउ यू ऑलरेडी नो किसी भी चीज की प्लेस डायरेक्शन वगैरह अगर हमें बतानी हो तो वी यूज द प्रेपोजिशंस. इन ऑन एट ये सारे क्या है, प्रेपोजिशंस हैं. तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट दे माइट आस्क यू दीज प्रेपोजिशंस इन दिस सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन में ही वो आपको प्रेपोजिशंस एंड ग्रामर का कुछ पॉइंट वो पूछ सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक या दिस इज द ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू वर्बल एबिलिटी जो आपको आपके 7 मार्क्स एग्जाम में देने वाले हैं. नाउ इसका जो लेवल होता है दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, या तो वो मॉडरेट होगा या तो वो इजी होगा. अगर आप 2021 का पेपर अगर आप देखोगे तो वर्बल एबिलिटी पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर द इजीएस्ट वंस एज ऑफ नाउ. तो आप देख सकते हो कि चांसेस है कि जब आपकी एग्जाम होगी इन 2022 तो आपको भी इसी इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए. सो अगर आप मेरे साथ आप पढ़ाई कर लोगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके ये 7 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर हो गए. जो 5 क्वेश्चंस जो इसके ऊपर पूछे जाते हैं वो तो आपको एज इट इज मिल ही जाएंगे, है ना. सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू नेक्स्ट. ओके, सो सोमैया इज आस्किंग मी दैट मैम इज दिस फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स. यस ऑफकोर्स, लाइफ साइंस देखो स्टूडेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट है वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ये सबके लिए होता ही है. इट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो फॉर लाइफ साइंस ऑल्सो इट इज कंपल्सरी. इट हैज 15 मार्क्स विच इज कंपल्सरी वन. You cannot neglect this part, okay? Okay, so ma'am, life science zoology के लिए है ना? Yes, yes, absolutely. Yes, zoology के लिए, life science students के लिए, सबके लिए ये beneficial है, okay? For all the gate aspirants. So now we are going to start with the vocabulary part. So what is vocabulary? Vocabulary is, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है definition. All the words in the language. So, जो भी words आते हैं किसी भी language में उसे हम vocabulary कहते हैं. जैसे जो अभी मैं बात कर रही हूँ the words I am using some of the English words and some of the Hindi words. So, ये सारे जो भी words है those are the vocabulary. हम हमारी vocabulary से ही conversation कर सकते हैं. You cannot frame any sentence or you cannot understand any language if you don't know the vocabulary. Okay, so knowing vocabulary is very important whenever you are learning any language. And if you ask me about English, then vocabulary is the most essential part of English. Okay, so vocabulary jo hoti hai, uske upar aapko questions zarur puche jaate hain. Now, there is a chance ki aapko question kis type ke puche jaye. Appropriate questions. Now, the question in your exam comes like, choose the appropriate answer from the following options. Ya, choose the appropriate word for in the filling the blank. Okay, ya, best option that best suits for the sentence. Given sentence. So, इस type के जो questions आते हैं they are all related to your vocabulary part. Okay? This thing you need to know always. Okay?
सो सोनाली आप सेट की बात कर रहे हो. सो सेट में इंग्लिश पार्ट नहीं आता. सो सेट का जनरल एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट जनरल एप्टीट्यूड. उसके लिए भी लेक्चर्स ऑलरेडी दिए गए हैं. यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. आपके चैनल पे ऑलरेडी है. सो आप वो अगर पढ़ोगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि सेट के लिए है वो. ओके बट दिस इज फॉर द गेट एस्पिरेंट्स. सो नाउ going to, so ये appropriate मतलब क्या होता है. so when question comes that write the appropriate word, आपको exactly क्या करना होता है, that we are going to look at it now. so देखिए, when we talk about vocabulary, we refer to use of words or expressions which are considered most suitable. जैसे अब कोई भी एक सेंटेंस दिया गया है, सो उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड होगा कि जो आपको लगता है कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. अब अगर आप देखोगे कि हम कोई भी अगर सेंटेंस बोलते हैं, सो देर आर सो मेनी वेज टू से दैट सेंटेंस, है ना. तो नाउ व्हेन यू चेंज द वर्ड्स इन द सेंटेंस, द मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. So, हमें क्या मीनिंग एग्जैक्टली चाहिए है उस सेंटेंस में, वही पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे. क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट वर्ड. सो एक्सेप्टेबल और करेक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. सो विच इज एक्सेप्टेबल इन दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, वैसा वर्ड जब हम किसी भी इसमें से सिलेक्ट करके लिखते हैं, सो वो होता है हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड. जैसे अब आपके सामने होगा गो, वेंट, गॉन. सो ये सारे का मीनिंग क्या है, जाना, है ना. लेकिन ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, दैट विल बी डिफरेंट. जैसे गो एग्जिट, एग्जिट भी कहते हैं. सो कभी कभी हम क्या कहेंगे, दैट ही एग्जिटेड, या फिर कभी कभी ही वेंट, या ही इज गॉन, है ना. सो नाउ वी यूज इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो वी यूज डिफरेंट वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पहचानना है एंड फिर फिलिंग द ब्लैंक जो भी होगा उसमें करेक्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे लिखना है. क्लियर. सो देखिए, आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख सकते हो आप. सी हियर, यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट इज गिवन टू यू दैट देखो, यू नीड टू डैश फ्रॉम दैट गेट टू गो आउट. अब आपको इसमें से करेक्ट वर्ड पहचानना है. अगर आपको गो आउट, देखो अगर आप बाहर जाना होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो पहले तो आपको समझना है यहाँ पे. यस सुधा, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो विच वर्ड यू विल यूज, दैट यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट गेट टू गो आउट. जैसे एंटर हम अंदर आने के लिए कहते हैं, वैसे ही एग्जिट हम बाहर जाने के लिए कहते हैं. कमिंग इन या फिर कमिंग, ये भी सारे अंदर. देखो अब यहाँ पे कम इन एंड एंटर, ये दोनों सिमिलर है. नाउ बाहर जाने के लिए बोला है इसीलिए इट इज हमारे पास ऑप्शन अलग है. लेकिन यू कैन इमेजिन योर कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे क्वाइट सिमिलर वर्ड्स आपको दिए गए होंगे और उसमें से आपको एक वर्ड चूज करना पड़ेगा. सो आपको वर्ड का सही मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है. क्लियर. यस ओके. सो सेकेंड का वेट स्टूडेंट्स, आई एम येट टू से टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें, सो शी इज सो डैश दैट शी इजिली कैचेज कोल्ड. तो देखो यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड यहाँ का फाइंड आउट करना है. नाउ आई कैन सी यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स. सो द करेक्ट आंसर इज सेंसिटिव, बट दिस इज ओनली फॉर यू ऑल कि कैसे इसको पहचानना है, है ना. देखो हियर यू कैन सी कि गेट 2020 में मैं पूछा गया था ये क्वेश्चन. डिस्पाइट अ string of poor performances, the chances of KL Rahul selection in the team are dash. बताइए इसका आंसर, कौन बता सकता है.
ओके नाउ आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल. ओके सो सुधा, फॉर सुधा इट इज डी, फॉर दीपांशु इट इज सी. ओके सो डिस्पाइट अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस द चांसेस ऑफ केएल राहुल सिलेक्शन इन द टीम आर ऑब्वियस, ब्राइट, अनसर्टेन या स्लिम. ओके सो अनसर्टेन, समबडी सेइंग अनसर्टेन. नहीं देखिए यहाँ पे क्या कहा है, डिस्पाइट द स्ट्रिंग मतलब पुअर परफॉर्मेंस होने के बावजूद, मतलब कुछ तो अलग होने वाला है, उससे कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे. मतलब पुअर परफॉर्मेंस, द आंसर दैट यू आर गिविंग इज द ऑब्वियस वंस, सो दिस इज नॉट द आंसर. सो डिस्पाइट अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर, यस सो द करेक्ट आंसर इज ब्राइट. सो डिस्पाइट द स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, बावजूद पूरा बुरे परफॉर्मेंस होने के बावजूद उसका सिलेक्शन टीम में होना कैसा है, ब्राइट है. सो इट हैज टू बी, सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस मतलब जो मतलब कॉन्जिकटिवली पुअर परफॉर्मेंस वो दे रहा है कि एक के बाद एक पूरा लाइन से उसने पुअर परफॉर्मेंस दिए हैं. मतलब स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस मतलब हम कहते हैं ना एक पूरा सीक्वेंस या पूरी लाइन से, जो मतलब ये भी हुई उसके बाद का भी उसके बाद की भी टेस्ट, ऐसे लगातार जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. ओके सो यस सो ब्राइट इज द आंसर. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं. ओके ग्रेट सो दैट वॉज ऑल अबाउट अप्रोप्रिएट how to give the or how to select the appropriate word in the following sentence. Okay so now we are going to look at very 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 important topic of jaise humne pehla jo dekha that was matlab usme zyada explain karne ke liye kuch nahi tha, aapki vocabulary usme achhi hone ki bahut zarurat hai. Agar aapki vocabulary achhi hogi so you can give a you can select the proper answer correctly. Okay so अब यू विल आस्क मी कि मैम ये वोकैबुलरी अच्छी कैसे करनी है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी दैट वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं. नाउ इफ यू कुड सी द सिचुएशन राइट नाउ, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम विद यू टू गिव योर गेट एग्जाम, है ना. यू हैव सो मच ऑफ टाइम विद यू, सो वॉट यू कैन डू, अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो, यू यूज अ वेरी गुड डिक्शनरी. अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हैं तो ऑक्सफर्ड या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी इज द बेस्ट दैट आई कुड रेकमेंड. सेकंड, अगर आप इंडियन मतलब थोड़ा सा कम लेवल की अगर आप देखना चाहते हो, सो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विच इज बेनिफिशियल, दैट इज द नवनीत डिक्शनरी. सो यू कैन परचेज नवनीत डिक्शनरी और ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी एंड रोज उसमें से 10 to 20 वर्ड्स आप लर्न करते जाइए. ओके एंड ट्राई टू बिल्ड योर वोकैबुलरी लाइकवाइज. अब जो भी वर्ड आपने उसमें से देखा है, उस वर्ड का आपको क्या करना है, मीनिंग फाइंड आउट करना है फ्रॉम द डिक्शनरी. मीनिंग जब आपको मिल जाएगा सो यू हैव टू फ्रेम योर ओन सेंटेंस आउट ऑफ इट एंड उसी वर्ड का आपको ऑपोजिट वर्ड भी फाइंड आउट करना है. नाउ यू फाइंड द सिनोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यू फाइंड द एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो देखिए एक ही साथ आपकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, आपको वर्ड्स भी पता चल रहे हैं, आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी क्लियर हो रहे हैं, सब की प्रैक्टिस आपकी एक ही साथ हो रही है एंड इस वोकैबुलरी का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत फायदा होने वाला है. ओके सो ओवरऑल अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करो या वर्बल एप्टीट्यूड की बात करो तो वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत जरूरी होता है. जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे. क्लियर सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर वोकैबुलरी.
So now we are going to look at the analogies and basically verbal analogies. First I'll explain what are analogies and uske baad we will look at the verbal analogies. Okay, so what are analogies? So analogy is basically that is the comparison or finding the relation between a pair. सिंपलेस्ट वे में कि जिस भी कोई भी जो पैर है उसके बीच का रिलेशन पता करना मतलब एनालॉजी होता है. जैसे मान लो कि देयर इज नो स्पेस हियर, ओके आई विल राइट हियर एग्जांपल, ए इज टू बी एंड सी इज टू व्हाट. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि ए, अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आने के लिए. नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए क्या है वो फाइंड आउट कीजिए, ए का बी के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट कीजिए. एंड जब आप ए एंड बी का रिलेशन फाइंड करते हैं तब सी का यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका क्या रिलेशन होगा वो आपको पता लगाना है. जैसे ए के बाद बी आता है, ए अल्फाबेट है, बी भी अल्फाबेट है, ए के बाद बी आता है, तो सी हमारा क्या है, सी भी अल्फाबेट है, तो सी के बाद क्या आएगा वो आपको पता लगाना है. सो सी के बाद तो हमारा डी आएगा. सो दैट इज हाउ यू फाइंड द आंसर्स. सो नाउ एनालॉजीज, सो देखिए अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स और आइडियाज इज ऑफन कॉल्ड एन एनालॉजी. एनालॉजीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. ओके, दे कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज बाय कंपेयरिंग देम विद ईच अदर. It could be like things or unlike things. It could be anything. वो like things भी हो सकते हैं या फिर वो unlike things भी हो सकते हैं. अब analogies अगर हम general way में देखें तो अलग अलग टाइप की analogies होती है. जैसे number analogies भी होंगी, word analogies भी होंगी, shape analogies भी होंगी, है ना. So now there are different types of analogies. So we basically are going to talk about two types of analogies. जो आपको गेट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो दो टाइप के एनोलॉजीज होते हैं. फर्स्ट वर्बल एनोलॉजी एंड सेकेंड इज न्यूमरिकल एनोलॉजी. ओके, एंड अगर आप इंग्लिश की बात करो तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट वर्बल एनालॉजी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, सो देखिए यहाँ पे यू कुड सी दैट वर्बल एनालॉजी जो है, सो व्हाट आर वर्बल एनालॉजीज. सो जैसे हमने जनरल टर्म में एनालॉजीज के बारे में स्टडी किया, जो वर्ड की एनालॉजीज होती है उसे हम वर्बल एनालॉजी कहते हैं. ओके, सो इन जनरल एन एनालॉजी इज अ सिमिलैरिटी दैट इज ड्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट बट सफिशियंटली सिमिलर इवेंट्स सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस. एंड अ verbal analogy draws a similarity between one pair of the words, देखिए words, and another pair of the words. So यहाँ पे किस चीज की comparison हम करते हैं, किसका relation हम find out करते हैं, words के बीच का relation हम यहाँ पे find out करते हैं. Okay, so जैसे मान लो let's take one example. Now, if fire is too hot, then ice is too what? Okay, ये अगर हमारा question है तो यहाँ पे now you have given four options. Let's consider high, low, cold, small. Okay, अब आप
देखोगे आइस हाई तो कभी नहीं होता, आइस लो भी कभी नहीं होता। आइस या तो कोल्ड होता है या फिर स्मॉल होता है, स्मॉल आइस है बोल सकते हैं हम, है ना। लेकिन नाउ यू व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि फर्स्ट पेयर का रिलेशन क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता करना है कि आइस का क्या रिलेशन होगा, है ना। सो यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यू ऑल आर राइट दैट द आंसर इज द कोल्ड। कोल्ड क्यों है आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमने ए एंड बी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया, दैट फायर कैसे है, हॉट है, गर्म है। सो आइस कैसा होगा, आइस ठंडा होगा, ठंड। बर्फ कैसी होगी, ठंडी होगी, है ना। सो नाउ वी फाउंड आउट वन मोर थिंग। अब दो ऑप्शंस हमारे पास थे, अब इसमें भी कंफ्यूजन था, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ, विद द हेल्प ऑफ हॉट इज टू व्हाट। सो हॉट के भी साथ हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया, है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। सो नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इसी एक ही टाइप की एनालॉजी होती है, देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स। सो बेसिकली मेन देर आर 15 टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। अगर आपको ये 15 टाइप की एनालॉजीज पता होंगी, सो एग्जाम में इन्हीं 15 टाइप में से एक पूछी जाती है, एग्जाम में फिर आपको आंसर देना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक एट वन बाय वन। बिफोर वी लुक एट द टाइप्स, वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स कि जो आपको वर्बल एनालॉजी में यूज करने में हेल्पफुल रहेगी। देखो जैसे नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्ड का मीनिंग पता करना है आपको। जब वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी जाके आप रिलेशन गेस कर पाओगे, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। मीनिंग पता करने के लिए आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। ओके, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पेयर। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू ऑलवेज डू व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द वर्बल एनालॉजी क्वेश्चन। क्लियर, सबको समझ में आया कैसे करना है, हाउ वी सॉल्व द वर्बल एनालॉजी पार्ट। आंसर मी क्विकली सो दैट वी कैन मूव अहेड। क्लियर है ना, ओके ग्रेट। चलो देन लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है हमें, ओके ओके यस अंडरस्टूड, क्लियर। सो अब हमें क्या आगे क्या स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। अब कौन कौन से टाइप के एनालॉजीज होती है। सो सबसे पहली जो आप देखोगे यहाँ पे, दैट इज थिंग्स दैट गो टुगेदर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय थिंग्स दैट गो टुगेदर, चीजें, ऐसी चीजें कि जो हमेशा हम साथ में यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ओके, नाइफ एंड फोक, देन बैट एंड बॉल, bow and arrow, salt and pepper, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमेशा हम साथ में उन्हें यूज करते हैं। ओके, जैसे hair and comb, है ना, ये हमेशा साथ में यूज होता है। यू कैन नॉट से आई एंड कोम्ब, इसका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। आईज का और कोम्ब का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं है। सो रिलेशन किसका है, हमारे बालों का एंड हमारे कोम का। ओके, सो हेयर एंड कोम, दीज थिंग्स गो ऑलवेज टुगेदर। ओके, सो ऐसी जो चीजें होती है, क्या आपको ऐसी कोई चीज पता है, यू कैन ऑल्सो कमेंट इट डाउन। तब तक मैं जो मुझे एग्जाम्पल्स पता है वो मैं लिखती हूं यहाँ पे, जैसे आई एम सॉरी, बैट इज टू बॉल, बो इज टू एरो, सॉल्ट इज टू पेपर, टेबल चेयर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट नम्रता, टेबल चेयर, दीज ऑल्सो थिंग्स गो हैंड इन हैंड, पेन पेपर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉक एंड की, करेक्ट,
ब्रेड इज टू बटर. ओके सो जो आपने भी बोले दोज आर ऑल्सो करेक्ट. यस चॉक एंड यस बोर्ड एंड चॉक एब्सोल्यूटली करेक्ट. अब नेक्स्ट जो है सो यस यू ऑल आर करेक्ट. सो आपको बेसिकली आइडिया पता चल गई है थिंग्स दैट गो टुगेदर मतलब क्या होता है. नेक्स्ट जो है वो है अपोजिट्स दैट इज एंटोनिम्स. अब एंटोनिम्स कौन कौन से होते हैं. एंटोनिम्स कौन कौन से होते हैं. बिग स्मॉल सारे जो भी एंटोनिम्स है वो सारे इसमें आएंगे. सारे अपोजिट वर्ड्स बिग स्मॉल स्टॉप गो salt and water this thing not always go together. Happy smile this also doesn't always go together. Yes sometimes it might go like it not always. Yes Ajit you are correct. So in out ye ek aur antonym hai. In is to out. Yes enter is to exit. Long is to short. Sit is to stand. Yes sit and stand. Laugh cry. Sharp dull dark light. Yes come go correct. Or tall short wide narrow है ना. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं. एंटोनिम्स के हैं. यस फॉल राइज जो भी अपोजिट वर्ड्स आते हैं वो सारे हमारे एंटोनिम्स इस कैटेगरी में आएंगे. यस नो समर विंटर. यस करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट है सिनोनिम्स. अब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं. सेम मीनिंग वाले वर्ड्स मतलब जैसे बिग इज टू लार्ज. और क्या बता सकते हो. बिग इज टू लार्ज. स्मॉल अगर हम कहेंगे स्मॉल का सिनोनिम क्या होता है. स्मॉल का सिनोनिम कौन बता सकता है. यस गुड बैड एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी आर लुकिंग एट द सिनोनिम्स. एबिलिटी कैपेबिलिटी यस दिस इज द सिनोनिम. ओके रिश्मा यू आर करेक्ट. वी कैन कंसिडर इट इन टू द सिनोनिम्स. So, Sudha is telling tiny. Absolutely correct, Sudha. Small is to tiny. Sad. Sad is to unhappy. Dwarf is to small. Yes. Yes, could be. Short. Yes, small is to short bhi ho sakta hai. Sad is to unhappy hota hai. Sad is to unhappy. Hai na? Beautiful, attractive. Absolutely correct. Yes, tiny. और कौन से synonyms बता सकते हो. Hint is to clue. Hint is to clue. एक और है hide is to conceal. ये एक और है synonym. Best is to good. But it doesn't go Ravindra, it doesn't go always because क्या होता है ना कि good, better, best ये degree of comparison आ जाता है कि मतलब good से भी अच्छा better होता है, better से भी अच्छा best होता है ना. So good and best not always go together. So that cannot be considered as synonyms. Damage, hurt, yes correct. Damage, hurt, show, reveal. So, जो आप लोग नहीं बता रहे वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके जो आप लोग बता रहे हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता चल ही रहे हैं है ना मैम. ओके यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सो ऑब्जेक्ट एंड क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन. जैसे अगर मान लो कि हमारा ग्रीन कलर ग्रीन है. So green ये क्या है. When we ask ourselves the question ये क्या है. So जो answer हमें मिलता है वो हमारा relation होता है. जैसे green क्या है. Green तो color है ना. So this is the object. Green ये object है. And उसका classification कि वो green ये क्या है जब हम बताते हैं. So that is a classification that we are giving of that word. So classification हम क्या दे रहे हैं कि green तो color है. okay. So ant जब हम कहते हैं ants, ant
एंट्स क्या है, एंट्स क्या होती है, एंट इज एन इंसेक्ट। सो ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट रैबिट, अगर मान लो नाउ ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ओके। नाउ एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ रैबिट ही पूछेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू नो अबाउट इट, क्या बता सकते हैं वो कि रैबिट की जगह किसी और एनिमल का नाम ले लेंगे। सो लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि रैबिट क्या है, एनिमल है या फिर मैमल है, मैमल भी कहते हैं हम इसे, है ना। सो आपको अब रैबिट की जगह कोई और भी एनिमल का नाम दे दे, सो यू विल अंडरस्टैंड, अरे ये तो ऑब्जेक्ट एंड क्लासिफिकेशन का टाइप है, सो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। सो हमें इसी टाइप का ऑप्शन, इस आंसर हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। क्लियर? ओके, सो लेट्स जस्ट रीड आप लोगों ने क्या क्या बताए हैं ऑप्शंस। ओके, ऑरेंज फ्रूट, मैंगो फ्रूट, एप्पल फ्रूट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो देखिए यहाँ पे भी यू कैन सी कि मैंगो क्या है, है ना, या फिर एप्पल क्या है, ऑरेंज क्या है, सो वो क्या है, फ्रूट है। सो यू आर गेटिंग योर आंसर। हाउस होम, यस यू कैन डेफिनेटली से इट रविंद्रा, हाउस और होम ये आप सिनोनिम, एज अ सिनोनिम आप यूज कर सकते हो। इन अ डीपर कॉन्टेक्स्ट उसके मीनिंग अलग है, थोड़े बहुत ही थोड़े में, लेकिन ये सिनोनिम्स कंसिडर किए जाते हैं। ओके, देन स्नेक रेप्टाइल, एब्सोल्यूटली करेक्ट रिश्मा, स्नेक इज टू रेप्टाइल, सो स्नेक क्या है, इट इज रेप्टाइल, है ना। जैसे लंच, लंच क्या है, लंच इज अ मील। कॉटन क्या है, फैब्रिक है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। कॉलीफ्लावर क्या है, वेजिटेबल है, एब्सोल्यूटली करेक्ट, यू आर ऑन द पॉइंट। यस अंकित, कल भी लेक्चर होगा, कल हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। देन ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी है दैट इज ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप। सो ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप की अगर हम बात करें, सो ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर वेल है, वेल एक वेल है, वेल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वेल के ग्रुप को हम पॉड कहेंगे। सिमिलरली अगर मान लो पीपल है, पीपल के ग्रुप को आप क्या कहते हो, लोगों के ग्रुप को आप क्या कहते हो, बहुत सारे लोग हैं अगर उनके ग्रुप को आप क्या कहते हो, कैन एनीबॉडी टेल मी। और एक और तब तक लिख लेते हैं हम, से बर्ड है, बर्ड इज टू फ्लॉक, काउ इज टू हर्ड, काउ के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड, यस। सो पीपल के ग्रुप को हम मॉब कहते हैं, करेक्ट, क्राउड कहते हैं, करेक्ट, पॉपुलेशन भी हम कह सकते हैं, है ना, एब्सोल्यूटली करेक्ट, यू ऑल आर राइट, राइट राइट, एब्सोल्यूटली राइट। ओके, लायन, हु कैन टेल मी, लायन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लायन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ओके, सेल टिश्यू, यस करेक्ट, लायन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मंकी पार्लियामेंट, यस कुड बी, टेल मी लायन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, यस सृजानी यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, लायन के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। ओके, सो जिसमें यू हैव टू चूज कि एक ऑब्जेक्ट होगा एंड उसका ग्रुप होगा। सो व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज टाइप्स, कि आपको पता चले कि किस क्या
क्या उसका रिलेशन क्या है, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कि उसका टाइप नहीं दिया गया होगा. यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन कि रिलेशन क्या है. सो आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे वो रिलेशन, ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स. सो जब आपको ये टाइप्स पता होंगे सो आप पता लगा सकते हो, अरे यहाँ पे तो लायन एंड प्राइड दिया है एंड मुझे यहाँ पे बर्ड पूछा है. सो आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली फ्लॉक होना चाहिए, फ्लॉक, है ना. सो दैट इज हाउ यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, सो किंग प्रिंस गुप्ता, आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट कि आपको आप क्या मुझे बता रहे हैं. व्हाट डू यू वांट एक्सप्लेनेशन फॉर, व्हाट यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑन विच टॉपिक, कैन यू प्लीज इलैबोरेट. टिल देन हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. सो आगे के आगे के टाइप्स देखते हैं. ओके, ग्रुप ऑफ लायन को हम प्राइड कहते हैं डियर. ओके, या सो द नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट. हमारा एक ऑब्जेक्ट है एंड उससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक ग्रुप है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, तब तक आप मुझे आपके एग्जांपल्स बताइए. जैसे प्लांट है, प्लांट इज टू स्प्राउट, बटरफ्लाई इज टू कैटरपिलर, और क्या बता सकते हो आप मुझे, कैट इज टू किटन, ये क्या है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना. कैट से रिलेटेड किटन होता है, डॉग से रिलेटेड पप्पी होता है, मदर से रिलेटेड बेबी होता है. या आप इसी को और जेंडर के इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हो. हनी इज टू हनी कोम, यस करेक्ट करेक्ट. लायन इज टू कब, यस एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट. मदर इज टू बेबी, यस. जब हम जेंडर की बात करते हैं सो वी कैन कंसिडर मेल इज टू फीमेल, एब्सोल्युटली राइट. सो उसमें फादर मदर आ सकता है, यस. टीचर एंड स्टूडेंट, करेक्ट. टीचर और स्टूडेंट आ सकता है इसमें, यस. सो नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अवर ऑब्जेक्ट इज मान लो ग्रास. तो अगर ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है तो ग्रास कैसा है. नाउ व्हाट वी विल से कि ग्रास कैसा है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या है, है ना, ग्रीन क्या है, तो हमें आंसर मिला था. इन दिस व्हाट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि ग्रास कैसा है. ग्रास ग्रीन है, सो ग्रीन will be the relation. तो ये relation कैसे हो गया, object and its characteristic. या फिर grass wet है, गीला है, है ना, या grass is grown up, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं. Okay, then sponge कैसा है, porous है. Then gold कैसा है, gold shiny है, gold की जगह silver दे सकते हैं. marshmallow कैसा है, marshmallow खाने की चीज होती है, it is sweet और soft होता है वो, that is very soft. So marshmallow कैसा है, soft है, sweet है, you can say it any which ways. Elephant कैसा है, फैट है या बिग है, कुछ भी कह सकते हो आप. डॉग बार्क. अक्षया डिड नॉट गेट योर पॉइंट, डॉग इज टू बार्क, यू आर सेइंग इट इन ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक, इज इट
प्लीज एक्सप्लेन. यस सर, डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है डायमंड. बफेलो कैसी होती है? ब्लैक होती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड एंड स्मॉल होती है. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो इसी तरह से यू हैव टू गेस द रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एंड उसका लोकेशन क्या होना चाहिए. जैसे अब कार क्या घर में हो सकती है? नहीं हो सकती. कार का लोकेशन क्या होना चाहिए? या तो पार्किंग होना चाहिए या फिर गैराज होना चाहिए, है ना. सो ये क्या हो गया? उसका लोकेशन हो गया कि वो कार की प्लेस क्या है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिश इज टू वाटर. Fish is to water. Correct. Yes, money is to locker. Yes, money हम कहाँ रखते हैं? या तो पर्स में रखते हैं या तो लॉकर में रखते हैं. Yes, a horse is to stable. Yes, stable उसकी प्लेस है. Yes, ताजमहल is to आगरा. Yes, you are right. Yes, GATE, BT and Excel दोनों में verbal aptitude आता ही है. Okay, नेहा, आता है वो. Then what else? जैसे अगर मान लो tub है, tub की place क्या होती है? Tub is to bathroom. Then what else you can say? Lion is to zoo. या फिर lion is to jungle. Yes, fish is to water, correct. Blood is to veins, correct. Book is to library, correct. एकदम सही जवाब दे रहे हो आप सब लोग. Next देखते हैं अब. Next type क्या है? Object and part of whole. अब एक ऑब्जेक्ट है और उसका होल क्या होना चाहिए? वो मतलब पूरा उसका. जैसे मान लो अब हाथ है हमारा, हैंड इज टू फिंगर्स. जैसे हमारा होल क्या है? अब हाथ एंड फिंगर उसका एक पार्ट है, है ना. सो वैसे ही होल चीज एंड उसका पार्ट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द थिंग्स. इसी तरह से जैसे बुक है हमारी, बुक का पार्ट क्या होता है? पेजेस होते हैं, है ना. देन फुट इज टू टोज. फुट इज टू टोज. अब स्टूडेंट्स एक और चीज मैं आपको यहाँ पे वर्ब एनालॉजीज में बताना चाहूंगी कि देखो, जैसे अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया है कि हैंड इज टू फिंगर्स एंड बुक इज टू वॉट, या फिर यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है, आपको पूरा जो नेक्स्ट पेयर है वो पहचानना है. अब यहाँ पे जो आपके ए बी सी डी ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं, सो इनमें से अगर अब देखो पहला वाला क्या दिया है? आपका होल दिया है एंड सेकंड जो है वो उसका पार्ट है. नाउ देयर इज अ चांस कि आपको एग्जाम में उल्टा, मतलब ऑप्शंस में उल्टा दिया गया जाए. जैसे यहाँ पे आपको टोज दिया गया होगा एंड यहाँ पे आपको फुट दिया गया होगा एंड एक और ऑप्शन होगा बुक इज टू पेजेस. नाउ यू विल से कि मैम ये तो दोनों सही लग रहे हैं, तो फिर कैसे पहचानना है? देखो यहाँ पे होल इज टू वन है, तो यहाँ पे वन इज टू होल दिया है, मतलब ये आंसर आपका नहीं आएगा. आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कि होल इज टू वन, है ना. अगर यहाँ पे उल्टा दिया गया होता तो यहाँ पे भी आपको उल्टा ही फाइंड आउट करना पड़ता. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पेयर का रिलेशन कैसा है वो आपको पता लगाना बहुत जरूरी है एंड वो भी ध्यान से पता लगाना है आपको. क्लियर? सो दैट इज हाउ यू हैव टू गेस द आंसर्स. नेक्स्ट जो है, अब लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन.
ओके सो यस आप सब लोगों के आंसर्स बहुत ही सही है. आई एम नॉट एबल टू चेक ऑल ऑफ देम बट यस आप लोगों के आंसर्स करेक्ट है. ओके सो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन की अब बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन उसमें क्या होता है कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और उसका काम क्या है, वो वर्क क्या प्ले करने वाला है वो हमें पता लगाना होता है. जैसे पेन है हमारा, पेन का काम क्या होता है, लिखना होता है, टू राइट. ओके सो पेन का काम होता है लिखना. उसी तरह से अगर मान लो कि नाइफ है, नाइफ का काम क्या होता है, कोई भी चीज कट करना है ना. एंड और क्या क्या आंसर्स बता सकते हो आप मुझे. अक्षया यू कैन कॉल ऑन द नंबर प्रोवाइडेड टू यू एंड दे विल गिव यू ऑल द सो वी हैव डिफरेंट बैचेस. एक जो बाइलिंगुअल होगा विच विल बी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड देर इज वन मोर विच विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश. ओके सो आपको कौन सा चाहिए वो आप जो हमारे काउंसलर हैं उनसे बात करके डायरेक्टली आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. So yes, so typewriter is to typist. Typing आप कह सकते हो, typewriter is to typing, not typist. क्योंकि वो हमारा next part में आने वाला है. I'm going to explain it to you how. So leg is to walking, yes correct. Spoon is to eat, absolutely correct. Shovel, shovel से हम क्या करते हैं, dig करते हैं. बुक से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं. ओके सो दीज आर द थिंग्स. ईयर से हम हियर करते हैं ना, सो वी हियर द थिंग्स फ्रॉम आर ईयर, करेक्ट. नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट कम्स अ परफॉर्मर एंड एक्शन. सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर, बस यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग नहीं होंगी, यहाँ पे लिविंग थिंग होगी. जैसे यहाँ पे हमारे आएंगे टीचर, तो टीचर का काम क्या होता है, टू टीच द स्टूडेंट्स, यस. देन एक्टर का काम क्या होता है, टू एक्ट, सॉरी या टू एक्ट. आर्टिस्ट का काम क्या होता है, आर्टिस्ट इज टू ड्रॉ, पेंट. ओके नोज इज टू स्मेल, यस ये तो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन में आ गया. स्टूडेंट्स लर्न, एब्सोल्युटली करेक्ट. राइटर राइटिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये आएगा परफॉर्मर एंड एक्शन में. तो देखो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक आएगा ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन एंड दूसरा टाइप आएगा परफॉर्मर एंड एक्शन. ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस आपको पता करना है, पता होना ही चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन है दैट इज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड जो परफॉर्मर एंड एक्शन है दैट इज फॉर द लिविंग थिंग्स. ओके सो इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये कंफ्यूज होने के थोड़े से इसमें चांसेस होते हैं, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो सो कंफ्यूजन नहीं होगा आपका बिल्कुल भी. ओके देन वर्ब टेंसेस. अब वर्ब टेंसेस जब हम नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेंसेस क्या होता है, कैसे होते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा. आप बस एक दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए. ईट इज टू एट, मतलब ये एक टेंस है उसका, ईट इज द प्रेजेंट टेंस एंड एट इज द पास्ट टेंस. सो वैसे ही ये वर्ब टेंसेज होते हैं कि जो एक टेंस में, किसी भी एक पर्टिकुलर टेंस में दिया गया होगा एंड दूसरा टेंस उसका रिलेशन होगा. विन वन, win is to won, buy is to bought, okay, go went, yes absolutely correct, go went aega, zahir you were also correct, painter is to paint, correct, break broke, speak spoke, correct, absolutely correct,
सो ये सारे क्या है, ये सारे गुड बेटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड बेटर गुड यस, बट दिस इज बेसिकली नॉट द टेंस. टेंस क्या होता है, वर्ब के आते हैं ना. सो गुड ये वर्ब नहीं है, इट इज एन एडजेक्टिव. सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्ब टेंसेस. ओके, सो जीप गो गॉन, यस गो के साथ गॉन आ सकता है. डू के साथ डू डन, मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी डू डिड. ओके, सिंग, नॉट सिंग सॉन्ग, सिंग संग आएगा, सिंग संग आएगा या फिर सिंग संग आएगा, नॉट सॉन्ग. ओके, ड्रिंक ड्रंक, यस करेक्ट. गो वेंट, करेक्ट. कुक कुक्ड, करेक्ट. इस तरीके के सारे वर्ब्स आप इसमें कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट. सो हमारा कोई भी कॉज होगा एंड उसका इफेक्ट क्या होगा वो पता करना है. जैसे हमने कुछ भी प्लांट किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इफेक्ट मतलब रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ तो वहां से ग्रो होगा, है ना. वी आर प्लांटिंग समथिंग एंड समथिंग विल ग्रो आउट ऑफ इट. ओके, सो दैट इज द कॉज एंड इट्स इफेक्ट. जैसे अगर आग लगी है, इफ देयर इज फायर व्हाट विल हैपन, समथिंग विल बर्न देन, है ना, कुछ तो जलेगा वहां पे. ओके, देन ट्रिप, ट्रिप मतलब ऐसे लड़खड़ाना, किसी चीज से ठोकर लगना. सो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली यू विल फॉल. स्पिन, डिजी, अगर आप घूमे हो तेजी से तो आपको क्या होगा, चक्कर जैसा होगा थोड़ा सा, है ना. सो दैट इज स्पिन is to dizzy. So this is the cause and effect. So we don't have much time left with us and we still have to understand one more topic. Isiliye I am just rushing it. Let's move on to the next one. प्रॉब्लम एंड सल्यूशन. सो कुछ प्रॉब्लम है एंड उसका सल्यूशन हमें अगर ढूंढना है तो क्या करना पड़ता है, हंग्री इज टू ईट. जैसे हमें भूख लगी है, हंग्री इज टू ईट. अगर आपको भूख लगी है तो इवेंचुअली आप क्या करोगे, आप कुछ तो खाओगे, है ना. भूख लगी है तो आप पियोगे क्या पानी या कुछ भी और पी के भूख आपकी मरेगी क्या, नहीं. सो अगर आपको भूख लगी है सो यू हैव टू ईट समथिंग. अगर Yes, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो यू विल टेक द मेडिसिन, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आप थके हो, इफ यू आर टायर्ड व्हाट विल यू डू, यू विल स्लीप, यू विल टेक रेस्ट, है ना. अगर कुछ तो ब्रोकन है, कुछ टूट गया है तो आप उसको क्या करोगे, यू विल रिपेयर दैट थिंग. ओके, सो यस, अगर डिजीज हुआ है सो यू विल टेक द वैक्सीन फॉर इट. अगर आप, इफ यू आर रनिंग यू विल फॉल समटाइम्स, है ना. यस, इफ यू आर थर्स्टी यू विल ड्रिंक, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट अर्चना डियर, योर स्पेलिंग ऑफ थर्स्टी इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. इट हैज टू बी थर्स्टी. ओके, लाइक दिस, इट हैज टू बी थर्स्टी. थर्स्टी इज टू ड्रिंक. या तो ये हो गया. नेक्स्ट वन इज डिग्रीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एनालॉजी. डिग्रीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि जैसे कोई भी चीज होगी तो उसका लेवल कितना है. जैसे अगर मान लो कोई चीज बड़ी है तो वो कितनी बड़ी है, ये जब आपको पता करना होता है सो वी दैट टाइम वी यूज डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. जैसे इफ यू आर हैप्पी, हाउ हैप्पी यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना. जैसे इफ समथिंग इज बिग, हाउ बिग इज इट, इट इज इनॉर्मस, इट इज इनॉर्मस. अगर कोल्ड है, ठंड है, हाउ कोल्ड इज इट, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, है ना. सो फ्रीजिंग विल बी द डिग्री ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीजिंग कोल्ड. नेक्स्ट है हॉट. हॉट इज टू बर्निंग हॉट, गरम है, कितना गरम है. हम कभी कभी कहते हैं कि ज्यादा गरम नहीं है, इट इज ल्यूकवॉर्म, समटाइम इट इज बर्निंग हॉट, है ना. सो इस तरीके से यू कैन राइट.
सो दीज आर द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये 15 टाइप्स हैं जिनके बेसिस पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉरी द आइडेंटिफाई द एनालॉजी द वर्बल एनालॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉरी द आंसर इज जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, so still the answer is visible to you, but yes, you can try it on your own. Don't look at the answer. Answer bataiye mujhe, kettle is to herd, then sheep is to what? Agar kettle herd ke liye hai, to sheep ke liye hum kya kahenge? So agar kettle matlab kya hota hai, pehle to wo bataiye mujhe. What do we mean by kettle? Instead of giving me the answer, first tell me what do we mean by kettle. Kettle is to herd. Yes, yes, Sudha, I know the answer is still visible, but I am extremely sorry for that. That was the typing mistake that I made. I'm sorry. Yes, Ajit, you are right. So, agar kettle is to herd hai, so sheep ko sheep ke group ko hum kya kahenge? Shoal, group of domestic animals. Yes, correct. So, usko agar hum herd kehte hain, to hum sheep ke group ko kya kahenge? Sheep ke group ko hum shoal kahenge. Okay? So the answer is, sorry, not shawl. I don't know, no. So the answer, this answer is wrong actually. So it should not be shawl. Just give me a second. It should not be shawl. It has to be flock. Okay. So sheep ke group ko hum flock kehte hain. Okay, it is not shawl, it is flock. Group ko pucha hai, hai na? So it is flock. Next question dekho. Here also the answer is already visible. Let's try to hide it. Okay, so now it is hidden. Ab bataiye. Acting is to theater. So, अगर acting theater में होती है, so gambling कहाँ होता है? Yes, so gambling is in the casino. So, यहाँ पे क्या आना चाहिए? Casino, okay? So, this is how you have to find the answers for the questions. Yes, casino is the right answer. Now, we are going to look at the grammar part. वोकैबुलरी का तो हमने पढ़ लिया. सो ग्रामर का अगर आप देखोगे, सो ग्रामर की जान होती है टेंसेस. टेंसेस के बिना ग्रामर अधूरा होता है. ओके, सो यू कैन नॉट रियली सॉल्व एनी क्वेश्चन या यू कैन नॉट नो द ग्रामर इफ यू डोंट नो द टेंसेस. ओके, सो टेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर ग्रामर. Clear? So, when we are studying about the tenses, aapko kuch cheeze, first let's understand what are the tenses. So, tenses ki definition dekho, a form of verb that shows if something happens in past, in present, ya in future. Jaise jo cheez kabhi pehle ho chuki hai, ya abhi ho rahi hai, ya future mein hone wali hai. Aisi cheezon ko hum tenses kehte hain. ओके, सो मान लो आपके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी है. अब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पास्ट में अगर वो चीज हो चुकी हो तो क्या कहना है, या अगर वो चीज आगे होने वाली हो तो क्या कहना है. Then that is not of any use, है ना? So, अब हमने वोकैबुलरी तो सीख ली, अब बारी आती है ग्रामर भी सीखने की, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आर इंग्लिश. So, yes, Sudha, you are correct. There are three types of tenses that we are going to study further on. So, kaun kaun se teen types hai?
Okay, so yes, let me just, before I start with the this topic, let me just answer your questions that yes Rabia, I corrected it. So fluke is the answer. Then how, ma'am, it is for bird two. Okay, so yes, bird ke liye bhi flock hi aata hai, lekin sheep ke liye bhi flock hi aata hai. Bird ke liye bhi flock aata hai, sheep ke liye bhi flock aata hai. So it is similar. Now let's look at the this tenses part. So tenses matlab ab pata chal gaya aapko what are tenses. So we are going to look at basic three tenses. Pehla wala kya hai? Past tense. Second, present tense. And third hai future tense. अब सिर्फ इन तीन टेंसेस के बेसिस पे हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते. आपने देखा होगा कि ये टेंसेस देन लेटर ऑन आर डिवाइडेड इनटू 12 डिफरेंट पार्ट्स. ये कौन कौन से 12 डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अब हम पता करेंगे. देखो, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. आई जस्ट ओके, सो फ्यूचर टेंस के लिए आई गेस आपको ठीक से नहीं दिख रहा है. आई ट्राई टू स्विच ऑफ माई कैमरा सो इट विल बी विजिबल फॉर यू. Hello, can you hear me? Okay, so just give me a second. Okay, so just wait for a second. Hello, can you hear me still? Just let me know. I just switched off my camera so that you could see the whole screen. Okay, so I am still audible, right? Not visible clearly, ma'am. Okay. So now I cannot do anything actually. Okay, great. Yeah, correct. So देखो, अब ये जो तीन tenses होते हैं, present tense, past tense and future tense, they are being later on divided into four parts. देखो, मतलब sentence किस तरह से बनता है. Now the sentence will become, देखो, इट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट भी वो बनेगा, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बनेगा, देन प्रेजेंट परफेक्ट भी बनेगा, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनेगा. एंड इट इज सिमिलर विथ ऑल द थ्री टेंसेस. प्रेजेंट टेंस के भी सेम वे में चार सेंटेंसेस बनते हैं, पास्ट के भी चार सेंटेंसेस बनते हैं, फ्यूचर के भी चार सेंटेंसेस बनते हैं. ओके, सो ये बनते कैसे हैं? सो इसका एक स्ट्रक्चर है दैट यू ऑलवेज हैव टू फॉलो. वो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है. अगर वो ठीक से विजिबल नहीं है तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. सो आई डोंट थिंक सो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू. आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, सो देखो, प्रेजेंट सिंपल अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट होगा आपका एक, प्लस आपका वर्ब होगा, बेस फॉर्म में होगा वो, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. नाउ बिफोर वी स्टडी फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो फॉर्म्स है, ये चार फॉर्म्स जो हमारे वर्ब के होते हैं वो कौन कौन से है. देखो, नाउ वर्ब हैज डिफरेंट फॉर्म्स. एक उसका नॉर्मल फॉर्म होता है, दैट इज बेस फॉर्म. चार फॉर्म्स होते हैं बेस के. सबसे पहला फॉर्म होता है बेस, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड नेक्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो ये चार फॉर्म्स होते हैं. सो जब बेस होता है, बेस इज द नॉर्मल वर्ब. बेस क्या होता है? नॉर्मल वर्ब होता है. जैसे मान लो कि यहां पे लिखते हैं बेस जो हमारा होगा वो, लेट्स टेक एग्जांपल एज गो. ठीक है, सो ये गो अगर हमारा वर्ब है, सो दिस इज द बेस फॉर्म. उसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा वेंट.
उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? गॉन होगा. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका क्या होगा? गोइंग होगा. दैट इज वर्ब प्लस ing आएगा. दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टेंसेस. गोइंग, यस, G-O-I-N-G, गोइंग. सो ये चार फॉर्म्स होते हैं. सो ये अब यहाँ पे बेस फॉर्म कहाँ है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? गो आएगा. ओके, सो सब्जेक्ट मान लो हमारा आई है. सो आई, फिर वर्ब क्या है? बेस फॉर्म में यूज करना है, मतलब गो. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं टू स्कूल. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या आ गया, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बना यहाँ पे? आई गो टू स्कूल. अब हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, चेंज क्या होने वाला है? चेंज सिर्फ हमारा टेंस, सॉरी, सिर्फ चेंज हमारा वर्ब होने वाला है. वर्ब के चेंज से हमारा टेंस भी चेंज होगा सेंटेंस का. दैट इज द क्लियर कट थिंग. ओके, सो अब ये सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, दैट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, जनरल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में. अब हम बनाएंगे उसका कंटिन्यूअस टेंस, जो कि चीज चल रही है. कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? व्हेन समथिंग इज हैपनिंग. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब बनेगा? मतलब जो चीज अभी चल रही है. ओके, सो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इज, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. अब इसमें से कुछ तो एक आएगा, वो कैसे चूज करना है, इसमें से एक कैसे लिखना है? जैसे देखो, अब यू शुड नो दैट आई के साथ क्या आता है? हमेशा एम आता है. सिंगुलर फॉर्म होगा तो क्या आएगा? यू के साथ क्या आएगा? यू आर. He, she, it के साथ क्या आएगा? Is. Plural form के साथ भी क्या आता है? आर आता है. ठीक है, सो हमारा सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम हमेशा क्या यूज कर रहे हैं? आई यूज कर रहे हैं. सो आई के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? आई एम आएगा. यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट. सो आई एम Going, अब verb हमारा go है ना. So go का हमें present participle यहाँ पे use करना है. Present participle क्या है? Going है. So I am going. और object तो as it is same रहने वाला है, which is going to school. वो तो same ही रहेगा. Yes, absolutely correct. I am going to school. ओके, देन उसके बाद आता है परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? कि जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या फिर हैज आएगा. अब हैव और हैज भी कैसे यूज करना है? जैसे हमने इज एम आर देखा, वैसे ही आई, उसके बाद यू, उसके बाद दे, वी, इन सब के साथ आता है हैव. और ही, शी और इट के साथ आता है हैज. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है. अगर आई की जगह ही होता तो हम हैज यूज करते, दैट ही परफेक्ट टेंस गॉन, सॉरी, ही क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा. ही हैज गॉन टू स्कूल. लेकिन यहाँ पे तो आई है, मतलब हम क्या यूज करेंगे? आई हैव. पास्ट पार्टिसिपल क्या है? गॉन है. सो आई हैव गॉन टू स्कूल. ओके, यस, आई हैव गॉन टू स्कूल, एब्सोल्यूटली करेक्ट. शी हैज कुक्ड फूड, एब्सोल्यूटली करेक्ट. भारती, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. एंड प्रतीक्षा, यू आर ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो अब हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? शी, अब सॉरी, यहाँ पे एस जो है हमारा सब्जेक्ट है. सो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है. अब इसमें क्या क्या ऐड होगा? आई, अब हैव, बीन भी ऐड होगा यहाँ पे. आई हैव बीन,
अब गोइंग हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, क्योंकि हमें परफेक्ट भी यहाँ पे आना चाहिए और कंटिन्यूअस भी आना चाहिए. सो हैव भी आया है एंड गोइंग दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमने यहाँ पे यूज किया है. सो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल. एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके नेक्स्ट देखो अब पास्ट. पास्ट के लिए सेम अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब का फॉर्म कौन सा है, पास्ट फॉर्म है अब. सो सब्जेक्ट तो हमारा आई है. सो अब पास्ट फॉर्म क्या है, आई वेंट टू स्कूल. क्लियर, आई वेंट टू स्कूल. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, आई अब वॉज या फिर वर आएगा. अब जब सिंगुलर होता है तो हम वॉज यूज करते हैं, जब प्लूरल होता है तो हम वर यूज करते हैं. सो यहाँ पे आई क्या है, मैं अकेली हूं, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है. सो आई वॉज कंटिन्यूअस टेंस मतलब गोइंग टू स्कूल. हमारा ऑब्जेक्ट तो सेम ही है यहाँ पे. क्लियर. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में अब क्या आएगा, दैट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है आई, देन आएगा हैड. अब परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हैड यूज करते हैं. सो ये आपको एज इट इज याद रखना है. सो आई हैड, फिर वर्ब. अब पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, आई हैड गॉन, सॉरी I had gone to school. And then past perfect continuous क्या आएगा, I had been going to school. I had been going to school. Clear? Yes, I had been going, present है प्रतीक्षा. सो आई हैड बीन गॉन नहीं आएगा, आई हैड बीन गोइंग आएगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है हमें. यस देन अब फ्यूचर सिंपल सेम. आई विल, बेस फॉर्म क्या है, गो. ओके सो आई विल गो टू स्कूल. यहां पे आई विल बी गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट परफेक्ट क्या आएगा, आई विल हैव. अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, आई विल हैव गॉन. हम कहते हैं ना, तब तक तो मैं जा चुकी रहूंगी स्कूल में. सो आई विल हैव गॉन टू स्कूल. सेंस फॉर का भी यूज करते हैं. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम सेंस या फिर फॉर का भी यूज करते हैं. तो सेंस हम कब यूज करते हैं, सो सेंस. ओके सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट टू. सो यहाँ पे है हमारा आई विल हैव बीन, उसके बाद आएगा आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना. सो देन जैसे अब भारती ने कहा कि व्हाट वी यूज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके सो जैसे भारती ने कहा कि वी यूज सिंस या फिर फॉर, है ना. सो हम सिंस कब यूज करते हैं, कि जब नेम हमें और उस टाइम के बारे में पता हो, है ना. When we know the name of the time, so that time what we use, जैसे I am working here for 3 months. जब नंबर हमें पता हो, so we use for. जब हमें टाइम उसका पता हो तो we use since. जैसे I am working here since 1990. ओके सो सिंस हमने कब यूज किया, सो I am working here since. Okay, so you can use it any which ways. So that is the perfect continuous. That is the future perfect continuous tense. ये किसी भी tense के लिए हम since या फिर for use कर सकते हैं, because it contains the present participle in it. Okay? Yes, absolutely correct.
सो ओके सो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग यस या फिर आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड है ना. सो जब हमें एग्जैक्ट वो चीज नहीं पता व्हेन वी नो द रैंडम थिंग देन वी कैन यूज सिंस एंड व्हेन वी नो जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 6 years नाउ. ओके यू अंडरस्टूड द पॉइंट. ओके अब इसी में एक और टाइप होता है कि व्हेन वी यूज द थिंग्स सच एज पॉजिटिव एंड निगेटिव. ओके सो मैं आपको जैसे पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव एंड निगेटिव इंटरोगेशन होता है इसमें क्या क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं हम. इंटरोगेटिव एंड निगेटिव इंटरोगेशन भी होता है. ओके सो अब ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल हियर. जैसे अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाना है इसी का तो नाउ दिस पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेशन ये हर एक टेंस का बनेगा. मतलब ये जो 12 टेंसेस हमने पता किए हैं ना इन 12 के 12 टेंसेस के हम पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेशन सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो यू कैन गेस दैट वी कैन मेक टोटल 48 सेंटेंसेस आउट ऑफ ओनली 3 टेंसेस. ओके सो वो कैसे बनेगा जैसे अब सो लेट्स टेक वर्ड एज वर्क. ओके सो यहां पे हम वर्ब लेते हैं वर्क. सो अगर वर्क हमारा है वर्ब तो यहां पे इसका पॉजिटिव अगर सेंटेंस हमें बनाना है आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके सो आई वर्क यर. ओके देन इसका निगेटिव क्या बनेगा आई डू नॉट वर्क यर. इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा डू आई वर्क यर क्वेश्चन मार्क. एंड इसका निगेटिव इंट्रोगेशन क्या बनेगा डू आई नॉट वर्क यर सॉरी वर्क यर. Work here, okay? So ये हो गया सिंपल का. यहाँ पे वर्ब हमने बेस फॉर्म यूज किया. सिमिलर वे में नाउ यू कैन मेक यस affirmative, negative, interrogative, interrogative plus negative. Correct. So ma'am, ये लेक्चर YouTube पर अवेलेबल रहेगा क्या? Yes, ये लेक्चर थोड़े टाइम के लिए तो YouTube पे जरूर अवेलेबल रहेगा. You can watch it later on too, okay? सो इसी वे में ये हमने किसका बनाया प्रेजेंट सिंपल टेंस का. अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना होगा तो कैसे बनाओगे जैसे यहीं पे नाउ यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा अब आई एम वर्किंग हियर. ओके सो अब क्या बना हमने आई एम वर्किंग हियर ये हमारा नॉर्मल ये सेंटेंस हो गया. आई एम गोइंग टू स्कूल वैसे यहाँ पे क्या बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल. अब इसका निगेटिव क्या बनेगा एम आई गो टू स्कूल है ना या फिर आई वर्क हियर जैसे है. सो यहाँ पे क्या बनेगा आई डू नॉट वर्क हियर जैसे यहाँ पे बना. सो वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बनेगा आई एम नॉट वर्किंग हियर. ओके सो आई एम वर्किंग हियर I am not working here. Then am I working here? Am I not working here? Okay. So this is your homework for today. आपको क्या करना है जैसे ये sentences हमने बनाए हैं ना similar way में. So ये तो हमने बनाए simple present के.
सिमिलर वे में आपको बाकी के 11 जो भी हमारे टेंसेस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड रेस्ट ऑफ देम, इस सब के इस तरह से सेंटेंस बनाना है. अब जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा वो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, एंड यू ऑल्सो हैव टू यूज द वर्ब एज वर्क. ओके, इसी वर्ब का आप यूज कीजिए, एंड आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आई ही रखिए, एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो योर ही रखिए. ओके, एंड मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ द रेस्ट 11 टेंसेस. क्लियर? सो ये आपको आज के आज होमवर्क में करना है. क्लियर? सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज कम इन एग्जाम गेट एग्जाम 2019. ओके, सो विच इज वेरी रीसेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, डैश आई परमिटेड हिम टू लीव, I wouldn't have had any problem with him being absent dash I. Okay? So, ये जो question है, सबसे पहले तो इस question का type समझिए. ये जो question है that is based on question tag. क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकंड सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाता है, सेकंड सेंटेंस और अगर फर्स्ट निगेटिव है तो सेकंड आपका पॉजिटिव हो जाता है. सो यहाँ पे देखो कि हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि निगेटिव, यहाँ पे क्या आया है, वुडेंट आया है, है ना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, वुड आना चाहिए. सो ये तो क्लियर कट हो गया दैट यहाँ पे तो वुड आ गया, और वुड वाले भी दो है हमारे पास, हैव या फिर हैड. सो अब ये सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, ईडी लगा है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है. सो जब सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है सो हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, है ना. मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? देखो अब सेकंड देखो क्वेश्चन, अंटिल ईरान केम अलोंग इंडिया हैड नेवर बीन डैश इन कबड्डी. जब तक ईरान नहीं आया था, इंडिया हैड नेवर बीन डैश इन कबड्डी, इंडिया को नहीं किया गया था, क्या नहीं किया गया था, डिफीट. तो देखो हमारा यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या है, तो डिफीट है. अब डिफीट का यहाँ पे देखो, हैड नेवर बीन, had never been मतलब क्या है ये सेंटेंस, इसमें से आप मुझे बता सकते हो. देखो कैन यू टेल मी किस टाइप का क्वेश्चन है ये, had been, had been मतलब had never been, मतलब ये क्वेश्चन है पास्ट में, है ना. सो पास्ट में जब भी क्वेश्चन होता है, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफीटेड, है ना, हैड नेवर. सो अंटिल ईरान केम अलोंग इंडिया हैड नेवर बीन डिफीटेड इन कबड्डी. Defeated आएगा डियर, इट इज यस परफेक्ट. सो इट इज द परफेक्ट, दैट पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है. ओके, नॉट द कंटिन्यूअस टेंस. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ईरान जब तक नहीं आया था, इंडिया को कोई भी हरा नहीं पाया था. ईरान आ गया तो शायद इंडिया हारी होगी कबड्डी में. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस. ओके, आई होप आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब जो भी टेंसेस का था वो अच्छे से क्लियर हो गया है. एंड आपका होमवर्क जो करना है वो आप ध्यान में रखिए, यू हैव टू मेक 48 क्वेश्चंस, मतलब ये भी लिखिए इंक्लूडिंग दीज फोर, you have to make 48 questions out of the three tenses. और आपका verb क्या होगा, work, work ही आपका verb है. so आपका काम easy करने के लिए मैं आपको verb form दे देती हूँ. so जैसे हमारा verb होगा उसका first form,
विल बी द बेस, सेकेंड फॉर्म विल बी द पास्ट, थर्ड फॉर्म विल बी द पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म विल बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो नाउ हमारा वर्ब क्या है? वर्ब इज आवर वर्क. सो वर्क का बेस क्या बनेगा? वर्क. सेकेंड पास्ट क्या बनेगा? वर्कड. पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा? वर्कड, ईडी ही लगेगा. एंड प्रेजेंट क्या बनेगा? वर्क प्लस आई एन जी इज इक्वल्स टू वर्किंग. ओके, सो ये आपको याद रखना है. सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस एंड इसकी हेल्प से नाउ यू हैव टू मेक द 48 सेंटेंसेस. ओके ओके, सो वर्बल एबिलिटी में और क्या क्या आता है? ओके, सो जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है लेक्चर, आई विल जस्ट गो बैक एंड टेल यू कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. यू कैन नोट डाउन ऑल दीज टॉपिक्स. ओके, सो भारती, देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके वर्बल एबिलिटी में आते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस अब तक अगर आप प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 10-11 इयर्स के क्वेश्चंस अगर आप एनालाइज करोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारे टॉपिक्स आते हैं. यहाँ पे मैंने उनका मार्किंग भी दिया हुआ है, कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड या बेस्ट ऑप्शन सूट्स फॉर, जो कि सेंटेंस कंप्लीशन के टाइप में आते हैं. देन सिनोनिम एंटोनिम आता है, वर्बल एनोलॉजी आता है, स्पेलिंग्स आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज नॉट ओनली बट ऑल्सो एरर करेक्शन और प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं. क्लियर? या ग्रेट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. सो हमने मेन जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो 100% एग्जाम में आते ही है. सो अगर आप टेंसेस के बारे में भी देखोगे तो अब हार्डली कुछ ईयर है जिसमें टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं. रेस्ट ऑफ द ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब पॉसिबिलिटी है कि वो आपको सेंटेंस कंप्लीशन के टाइप में पूछे. अब टेंसेस का अलग कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीशन में ही उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड यू शुड नो कि ये टेंस हमें इसका पहचानना है. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एंड कल के सेशन में, कल भी आपको मेरे साथ 5 बजे ही जुड़ना है. एंड 5 बजे मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, कुछ ट्रिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाली हूँ. तो क्विकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखने के लिए कल शाम 5 बजे आप लाइव आइए. ओके, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई होप आई हैव ट्राइड टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड ऑल योर क्वेरीज. एंड आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये अब अच्छे से समझ में आ गए हैं. ओके, सो वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे एंड लेट्स मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन. सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग.